दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ही वन खुशी सेवा खबरें लेकर आया। साक्षात्कार जैसे कि आप देख दस्तावेज के सकते हैं आपकी सत्यापन स्क्रीन हेतु पर एक शिक्षक जरूरी भर्ती 2023 यानी कि यहां पर केवल 12,489 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी, केवल सरगुजा और बस्तर संभाग में। पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप नहीं करना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक विभाग में जारी हो चुका है, कितने पदों पर भर्ती होगी, क्या होगी, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। इसकी प्रारंभिक तिथि क्या होगी, इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, फॉर्म कब भरना है, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगी, लोक शिक्षण संचालन है, यहाँ से आपका जारी किया गया डेटा आप देख सकते हैं, 4/5/2023 को यहाँ पर जारी कर दिया गया। संक्षिप्त विज्ञापन में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितने पदों पर भर्ती होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप नहीं करना है। इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करना है, पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कौन से संवर्ग के लिए? ई और टी संवर्ग के लिए, याद रखना, ई एवं टी संवर्ग के लिए। संचालक लोक शिक्षण संस्थान व्याख्याता के पद के लिए ई और टी संवर्ग के लिए, वाणिज्य के लिए 66 पद, गणित के लिए आपका 147 है, भौतिक के लिए 219। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी में बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखना। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें कि बहुत बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी लोग कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो वो वैकेंसी आ गई, आ चुकी है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो देखिए, संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा शिक्षक के लिए ई और टी संवर्ग के लिए आपका यहाँ पर देखिए 5,772। उसी प्रकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी योग के लिए आपका सहायक शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक ई एम टी संवर्ग के लिए 6,285, याद रखना, सहायक शिक्षक के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लिए ई एम टी संवर्ग के लिए 6,285, यानी कि टोटल आपका कुल मिलाकर कितने पदों पर भर्ती होनी है छत्तीसगढ़ में शिक्षक विभाग में, यानी कि टीचर्स की भर्ती में 12,489 पद, कितने पदों पर, 12,489 पदों पर आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक विभाग के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जैसे कि निर्देश के अनुसार मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये आपको विभागीय वेबसाइट है, आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन देखे जा सकते हैं, रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है, परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक जारी की जाएगी। सबसे पहले बात करें परीक्षा तिथि कब होगी, आपको व्यापम द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और सबसे पहले देखिए, आवेदन पत्र जो व्यापम द्वारा वेबसाइट है, दिनांक 6/5/2023 को प्राप्त कर 10 बजे से भरे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म बता दिया गया है कि आवेदन पत्र जो प्रारंभिक तिथि है आपका वेबसाइट में दिनांक 6/5/2023, आप याद रखें 6/5/2023, यानी कि ये आपका 6 तारीख को आपका मई में फॉर्म भरा जाएगा। इसके पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।